अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या है, कैसे आप सब? ठीक ठाक है, खैर खैर से उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर से होंगे। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके चलता हूँ अपने साथ बुर्जुल अरब। मैंने सोचा फारिग बैठा हूँ, क्यों ना बुर्जुल अरब ही देख लें और आपको भी दिखा लूँ। तो बुर्जुल अरब का प्लान कुछ यूँ बना कि मैं सुबह से ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर करके थक गया, तो अभी बहुत टाइम हो गया था, मैंने सोचा जरा घूम फिर के आ जाऊँ, ठीक है ना, साथ में ब्लॉग भी शूट कर लूँगा। तो चलते हैं बुर्जुल अरब। अच्छा यार, वो मैं माइक लेना भूल गया था, तो यहाँ तो मैंने ट्राई किया, बहुत महंगा पड़ रहा है, तो मैंने पाकिस्तान से मंगवाया है, तो उसमें कुछ 2-8 दिन लगेंगे, तो तब तक के लिए मेरे इस व्लॉग को ना आप ज़रा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, जो नॉइस आ रही ना तो इसे ज़रा बर्दाश्त करो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद अच्छी वाली वीडियोज़ आएंगी। गाड़ी चेक करो, आपको मैं गाड़ी दिखाने लगूँ, थोड़ी पोसों वाली ये घड़िया है ही के मज़े के लेंगे लेंगे इंशाल्लाह, हम भी लेंगे। हालांकि तुम लोग लाइक करोगे, फॉलो करोगे, कमेंट्स करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो लेंगे, हम कुछ फेमस होंगे तभी तो लेंगे। सो मैं जा रहा हूँ अभी ग्रीन लाइन की तरफ, ठीक है, यूनियन की तरफ, तो यूनियन से मैं बैठूँगा ग्रीन लाइन में और सीधा जाऊँगा बुर्जुल अरब, वहाँ पर मैं उतरूँगा, ठीक है, मिलते हैं। मेरे पीछे खजूरों के दरमियान एक बिल्डिंग दिख रही है, उस पर ब्लू कलर की एक लाइन है भैया, 1 साल में बनी है, हमारे वहाँ 2-2 साल लग जाते हैं 2 मरले का घर बनने में, है क्या नहीं? तो जी आपकी दुआओं से पहुंच गए हम यूनियन भी, अब जाएंगे नीचे उधर से बैठेंगे, ठीक है ना यार। यूनियन देखो, स्टेशन चेक करो इनके, ऐसा हमारा एयरपोर्ट है। तो जी इससे कहते हैं यूनियन, अब हम एंटर होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ना, मैं तो गलत हो गया था, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना नहीं पता था, लेकिन अब तो मालूम है, ठीक है ना। नीचे जाएंगे, सामने अपना कार्ड शो करेंगे, एंट्री होगी, फिर लेफ्ट साइड पे जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ग्रीन लाइन में बैठेंगे। अच्छा ये कार्ड है नॉल कार्ड, इस पर बैनर सलवाते हैं, वो सामने मशीनें लगी हैं, ये कार्ड उसमें जमा करवाना आता है और वहाँ पे एंट्री हो जाती है कि कितने पैसे आपने डलवाने हैं, ठीक है, और फिर आपके कार्ड में बैलेंस आ जाता है। अब ये मैं सामने शो करूँगा, देखना, ये दिखाया खुल गया और मैं अंदर चला गया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बुर्जुल अरब जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैं बुर्ज खलीफा आ गया। दरअसल बात ऐसी है, कोई सरप्राइज़ नहीं था, खासे मेरा मूड बदल गया, बुर्ज खलीफा का नाम सुना मैंने कहा इधर पहले चल गया, टाइम कम था इसलिए। लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़, ट्रेन से अभी तक निकला ही नहीं हूँ मैं, अंदर ही अंदर से मैं आ गया, क्या कहते हैं, दुबई मॉल, ये है दुबई मॉल, अब बाहर जाऊँगा मैं, गरीब हो ये देखो अमीरों की दुनिया। कैसी जगह है, फाइनली मैंने भी इन बड़ी बड़ी आंखों से बुर्ज खलीफा देख ही लिया। लो भाई मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने, उसके नीचे, अभी कह सकते हैं उसके नीचे खड़ा हूँ। क्या बना दिया इन्होंने यार, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जाऊँगा अंदर, तो अभी मुझे कोई नॉलेज नहीं है ना यहाँ के बारे में, तो मैं वैसे आया था, मैंने कैसे साथ बनाता चले। अमीरों की जिंदगी, और ये रहा बुर्ज खलीफा, हमारे गली वाला चाचा खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा। और इसके इर्द गिर्द जो है सारा इमार टावर है, ठीक है, ये अभी सिर्फ मैं बाहर बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट आऊँगा और कंप्लीट इस पर एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। मैंने सोचा था ये बहुत ज़्यादा रकबे में फैला हुआ होगा क्योंकि बहुत हाइट है इसकी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, मैं इस तरफ से आया हूँ, ये रास्ता ये है दुबई मॉल और ये सीधा मेट्रो के साथ टच है, मेट्रो से बिल्कुल दुबई मॉल में रास्ता आया हुआ है। पहले मैं वो सामने खड़ा था ये इस जगह, और अब मैं आ गया हूँ इस जगह।
और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छी सी जगह पे अगले व्लॉग में मिलते हैं।